लेकिन इनकाउंटर की आशंका है। जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था इस वजह से मुझे डर है। क्या क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था उससे वजह डर लग रहा है। क्या बयान दिया वो आप लोग को पता है? क्या बयान पता है मैम, लेकिन आपको माफिया अतीक अहमद और उसकी गैंग के गुनाहों का हिसाब शुरू हो चुका है। अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद के साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। कभी दहशत का दूसरा नाम समझा जाने वाला अतीक बुरी तरह से डरा हुआ है। जब जब अतीक की गाड़ी रुकती है तब तब उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इसी बीच अतीक की बहन ने बड़ा बयान दिया है। उसकी बहन आयशा का कहना है कि उसके भाई का रास्ते में एनकाउंटर हो सकता है, और वो भी इसीलिए क्योंकि अब अतीक अहमद की गाड़ी यूपी में एंट्री कर चुकी है। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है, जो आपने भी देखा, आप लगातार काफिले में मौजूद हैं। तो अभी अभी क्यों डर? लेकिन इनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद डर लग रहा है? अपराधी माने हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमें डर है? उसने इतने अपराधियों को, इतने मासूम लोगों को मौत की घाट उतारा मैम, तो वो कोर्ट को कैसे लग रहा है? आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक की डिक्लेयर ना हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले में तो आप पांच बार के विधायक को, मैम सुनिए, आप पांच बार के विधायक को और एक बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती जब तक कोर्ट के अहमद निर्दोष है। आप ये कह रहे हैं जब तक, बिल्कुल जब तक कोर्ट, जब तक कोर्ट कहाँ पर है? अगर निर्दोष है तो यहाँ पर क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते? बाल गृह में है ये बच्चे, बाल गृह में। और भी असद कहाँ पर है आखिर में, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? सीधा कॉलेज में बाकी लोग सरेंडर करेंगे क्या मैम? बाकी लोग क्या सरेंडर करेंगे? डिग्री कॉलेज में, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है असद। असद वहाँ पर, लेकिन गायब क्यों है? मिल क्यों नहीं रहा है? उसको फरार पता नहीं, जो उसका केस में नाम आ गया इसलिए गायब हो गया। शाइस्ता परवीन कहाँ है आपको मालूम है? मैम, क्या आपकी भाभी, आपका भतीजा, वो सरेंडर करेंगे क्या? मुझे नहीं पता। किसी में आने के बाद कानून का साथ देना चाहिए अगर आप। बिल्कुल 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 कानून, बिल्कुल कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। सुरक्षा के साथ यूपी पुलिस लेकर आई है, और अभी आप कह रही है दिन का समय हो गया और अभी भी आपको डर है कि वो जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था इस वजह से मुझे डर है। क्या क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था उससे वजह डर लग रहा है। क्या बयान दिया वो आप लोग को पता है? क्या बयान है मैम, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर मुकदमा चल रहा है, जेल के मुहाने पर खड़े हैं इस वक्त, जेल में ही सजा हो भाई, वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका इतना बड़ा बयान आ गया था इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन यूपी में तो पूरा साम्राज्य अगर चलता था, अभी ऑफिस में भी छापेमारी हुई, मुख्यमंत्री बात क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने का? मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं और वो हम लोग के साथ इंसाफ करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज की नैनी जेल लाया जा रहा है। अशरफ ढाई साल से बरेली जेल में बंद था। अशरफ को लेकर भी बरेली जेल से यूपी पुलिस की टीम निकल चुकी है। फिलहाल अशरफ की गाड़ी का काफिला बरेली से शाहजहांपुर की तरफ मुड़ चुका है। अशरफ की जेल वैन समेत काफिले में पांच गाड़ियां हैं। अशरफ की जेल वैन के आगे पुलिस की तीन गाड़ियां चल रही हैं, जबकि जेल वैन के पीछे पुलिस की एक गाड़ी है। लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद का परिवार खौफ में है, उसे देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब अतीक का वो खौफ कायम नहीं है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।